Assalamu alaikum students. Today's topic is linear combination and here we go for the next slide. यहाँ पर ऊपर स्लाइड में यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया लिखा है ना v इक्वल टू ए वी वन ठीक है और फिर प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री एंड सो ऑन ठीक. अब आप थोड़ा नीचे और देखेंगे तो आपको यहाँ पर v भी दिया गया है कि v किसके बराबर है ब्रैकेट में वन माइनस टू फाइव के. इस तरह वी वन वी टू वी थ्री जितने वी थ्री होंगे उतने हमारे पास दिए गए होंगे. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में एक v दिया गया है और इसमें v3 दिए गए हैं तो इसका मतलब हमारा फार्मूला कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा ठीक है ना, एज इट इज यहाँ तक चलना है. तो हमने क्या कर दिया, इस फार्मूले को दोबारा लिखा v इक्वल टू ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू और फिर ए थ्री वी थ्री प्लस ऑन ठीक है. हम अब क्या करेंगे, इसको यहाँ तक कर देंगे, सिंपल सा ठीक है, ऐसे ही होगा, यहाँ तक कर देंगे. अब हमें v तो पता है तो यहाँ पर जो v है हमारे पास वो क्या है, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम उसके नीचे क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे ठीक. उसके बाद आप बोलेंगे सर a1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं दिया गया, तो a1 वही रहेगा. यहाँ पर जो v1 है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, v1 लिखेंगे. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मतलब बन जाएगा a1, क्या बनेगा a1 ठीक है, और ये v1 की वैल्यू ठीक है ना. इस तरह ये प्लस साइन आ गया, ए टू रिमेन सेम रहेगा और वी टू की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी. इसी तरीके से ए थ्री भी सेम रहेगा, बाकी क्या रहेगा ए वी थ्री की वैल्यू आ जाएगी ठीक, सिंपल सा. इस ए वन को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली, ए वन जो है वी वन के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ए वन को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, ए वन को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वन के साथ भी, ए वन को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ भी. इसी तरह ए टू भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, देख रहे ना यहाँ पर ए टू जो है मल्टीप्लाई कर रहा है ठीक. तो ए टू क्या करेगा, उस वैल्यू पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा ना, ए टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी करेगा और थ्री के साथ भी करेगा, इसी तरीके से ए थ्री भी करेगा. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अब आप देखेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी ए वन आ जाएगा, यहाँ पर भी ए वन आ जाएगा, यहाँ पर भी ए वन आ जाएगा, इसी तरह होगा. और इस तरह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए टू आ जाएगा, यहाँ पर टू ए टू आ जाएगा, यहाँ पर थ्री ए टू आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टू ए थ्री आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ए थ्री आ जाएगा और यहाँ पर ए थ्री आ जाएगा. हमने क्या कर दिया, पहले ए वन को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया ठीक है, देख रहे हैं ए वन यहाँ पर, ए वन यहाँ पर, ए वन यहाँ पर. अब ए टू की बारी आती है तो ए टू को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, तो ए टू टू ए टू और थ्री ए टू ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ए थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल के साथ, तो क्या हो जाएगा टू ए थ्री माइनस ठीक है ए थ्री और फिर ए थ्री, इसी तरह होना चाहिए. हमने इस तरह ही कर लिया ठीक है मेरे बेटा, ये हमारे पास सेकेंड स्टेप रहा. उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक लाइन में अब लिख दिया यहाँ का सबको ठीक. उसके बाद हम क्या करेंगे कि सारे वैल्यूज को प्लस करेंगे, आप देख रहे हैं अब उसके बाद क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना. तो हम ए वन को ये एलिमेंट ठीक है, और इसी तरीके से ये पहला एलिमेंट है ना हमारे पास, ये भी पहला एलिमेंट है ना, तो ये तीनों प्लस होंगे एक साथ, मतलब ये ए वन प्लस होगा ए टू के साथ, पहले पहले एलिमेंट के साथ और ये पहले एलिमेंट के साथ. तो हमारे पास अब क्या सूरत हाल हो जाएगी, अब सूरत हाल हमारे पास ये हो जाएगी, तो ए वन ठीक है ये वाला पहला एलिमेंट, अब हमारे सेकंड जो यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसका पहला एलिमेंट ये रहा और तीसरे जो ब्रैकेट है उसका पहला एलिमेंट ये रहा ठीक है ना. तो ये हमने तीनों को प्लस कर दिया क्योंकि कामा है, तो उस एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट के साथ ही प्लस होगा. अब दूसरा कैसे होगा, दूसरा एलिमेंट हमारा यहाँ पर कौन सा ए वन है, यहाँ का कौन सा है टू ए टू है ठीक है, और यहाँ का कौन सा है माइनस थ्री माइनस ए थ्री है ठीक है ना. तो अब क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे ठीक. उसी तरीके से हमारे पास अब तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ए वन, ए वन प्लस किया जाएगा थ्री ए टू के साथ और उसके बाद ए थ्री के साथ प्लस किया जाएगा. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये रहा ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया. उसके बाद हम नोट करेंगे कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ठीक है, यार ये ब्रैकेट है ये किसी के बराबर है ना, इसके बराबर है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी. इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड जो है तीन एलिमेंट हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तीन एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट कहलाएगा ना पूरे का पूरा, ये तीसरा एलिमेंट कहलाएगा पूरे का पूरा ना, ऐसे ही हो रहा है. अब हम इसके बराबर कर दें क्योंकि ये चीज़ बराबर यहाँ पर दिख रही है तो बराबर हो जाएगी. क्या मकसद हुआ, मकसद है कि पहला एलिमेंट ये और इस वाले का पहला एलिमेंट कौन सा है, पूरे की पूरा ये हो जाएगा ठीक. तो ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के बराबर होंगे. हम क्या करेंगे, मतलब लिखेंगे ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री इक्वल टू किसके बराबर, वन के बराबर. समझ में आई बात, ये वन के बराबर हो जाएगा. इस तरह सेकंड एलिमेंट ये हमारे पास और इक्वल के साथ ये भी सेकंड नंबर पे है तो ये भी बराबर हो जाएंगे. इसी तरीके से तीनों को हम बराबर कर देंगे अकॉर्डिंग टू एलिमेंट टू एलिमेंट. अब हमारे पास ये तीन हो गए ना,
तो हम कहेंगे अब ये हमारे पास तीन क्या इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, हमारे पास ये क्या हो गई, तीन इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हमारे पास, अब इक्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, आपको इक्वेशन का असल में, ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि इक्वेशन कैसे बनी हमारे पास। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन के बाद हमारे पास ए वन की वैल्यू मैंने लिखी है माइनस सिक्स, ए टू की वैल्यू लिखी है थ्री, ए थ्री की वैल्यू लिखी है टू। अब ये कैसे आएगी, अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मुझे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, आई वॉन्ट टू नो कि हु डू द फर्स्ट एंड लेट मी नो, अगर आपसे ना हो तो फिर मैं कर लूँगा। तो मैं चाहूँगा कि ए वन की जो वैल्यू माइनस सिक्स आई है, ए टू की वैल्यू थ्री आई है, ए थ्री की वैल्यू टू आई है, वो कैसे आई है, उसके हिंट देने, बस ये हिंट दे दूंगा कि अब हमारे पास क्या होगा, साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, इक्वेशन को एक दूसरे से प्लस माइनस या किसी का मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर इन द एंड हमें क्या बन जाएगा, ए वन की वैल्यू, ए टू की वैल्यू, थ्री की वैल्यू। और दूसरी हिंट आपको देता हूँ, आपको क्या कीजिएगा, पेज नंबर 50 पे जाइएगा, ठीक है, और एग्जाम्पल 2.4.6 को देखिएगा। उम्मीद करूँगा कि ये एग्जाम्पल आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तीन इक्वेशन, ठीक है, वहाँ पे एग्जाम्पल पे वो किस तरीके से उसके साथ जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं और उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाती है। लेट मी नो के कॉन्स्टेंट करके दिखाता है, उसके बाद में अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कर दूंगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, और आज जो लीनियर कॉम्बिनेशन था आगे, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसमें उसके जरिए भी ये चीज़ें क्लियर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर सपोर्ट, टेक केयर।